प्रभास दे पाएंगे किंग खान को टक्कर? प्रभास 20 यानी कि प्रभास 20 के प्रोडक्शन कॉस्ट क्या है, तो आइए जानते हैं। हेलो एंड वेलकम टू बॉलीग्राड स्टूडियोज, मैं जैनी शाहनवाज आप सभी का स्वागत करती हूँ इस वीडियो में, जहाँ आज हम बात करने वाले हैं अपकमिंग फिल्म प्रभास 20 के बारे में। रिबेल स्टार प्रभास, एक्शन स्टार प्रभास, लव स्टार प्रभास, ना जाने कितने नाम दे दिए हैं हम सभी ने प्रभास को। उनकी परफॉर्मेंस हम सभी ने साल 2015 में फिल्म बाहुबली में देखी थी, और उसके बाद तो हम लोग ऐसे हो गए कि भाई प्लीज एक और फिल्म ले आओ जिसमें हम प्रभास को देख लें। उसके बाद लीजिए आ गई थी बाहुबली 2, जिसमें हमने एक बार फिर प्रभास को देखा और एक बार वो लव स्टोरी फिर से शुरू हो गई। अब ऐसे में आप सभी को बता दूं कि प्रभास आने वाले हैं एक और नई फिल्म के साथ, जिसके लिए ना सिर्फ उनकी साउथ इंडियन ऑडियंस बल्कि हम यानी कि बॉलीवुड के बड़े बड़े फैंस और ज्यादा एक्साइटेड हो चुके हैं, क्योंकि प्रभास एक ऐसे एक्टर हैं जिनकी फिल्में देखने के लिए शायद दर्शक अब तरसते हैं, जिनकी फिल्में देखने के लिए सभी ऐसे हो जाते हैं कि प्लीज जल्दी से बस प्रभास की कोई फिल्म आ जाए। तो अब बाहुबली को लगभग 7-8 साल हो गए, ऐसे में मुझे लगता है बाहुबली के रेस्ट का टाइम आ गया है और प्रभास का एक बार फिर हम सभी को इम्प्रेस करने का। ऐसे में प्रभास लेकर आने वाले हैं एक और नई लव स्टोरी, जिसका नाम हम लोग प्रभास 20 के नाम से जानते हैं। लेकिन आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म के टाइटल के लिए सभी लोग इतने ज्यादा एक्साइटेड थे कि फिल्म का टाइटल क्या रखा जाएगा, क्या होगा, सबके मन में इस तरीके के सवाल थे। तो आप सभी को बता दूं कि फिल्म का टाइटल चूज कर लिया गया है, जिसका नाम है राधे श्याम। वैसे आप सभी को बता दूं कि प्रभास ने साउथ इंडियन सिनेमा में एक रोमांटिक एक्टर के तौर पर ही एंट्री की थी, लेकिन पिछले कुछ समय से उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में रोमांस कुछ हद तक कम कर दिया है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि उनकी एक फिल्म थी जो अनुष्का सेठ के साथ थी, जिसका नाम था मिर्ची। उस फिल्म में उनका रोमांस हम सभी को साफ देखने को मिला था। अब ऐसे में दर्शक उस फिल्म को याद करते हुए एक बार फिर जा रहे हैं कि प्रभास का रोमांस हम सभी को एक बार फिर दिख जाए। प्रभास फिल्म बाहुबली को करने के बाद सभी पैन इंडिया फिल्म्स करने लगे हैं, ऐसे में उनकी आने वाली फिल्म यानी कि प्रभास 20 अका राधे श्याम भी एक पैन इंडिया फिल्म होने वाली है, जिसको तेलुगु, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और हिंदी भाषाओं में रिलीज किया जाएगा। और आप सभी को बता दूं कि फिल्म के हिंदी सीक्वेंस के गाने कंपोज करने वाले हैं हम सभी के प्यारे यानी के मिथुन, जिनके गाने हम सभी ने आशिकी 2 में सुने हैं। फिल्म के फर्स्ट लुक से पता चला है कि फिल्म के गाने स्लो और रोमांटिक होने वाले हैं, यानी कि वो गाने जिन्हें आज के दौर पर हम सभी सुनने के लिए तरस रहे हैं। तो ऐसे में अगर इस टाइप के गाने आ जाएं और वो भी इतने अच्छे म्यूजिक कंपोजर्स के साथ, तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि फिल्म में भी कुछ ना कुछ अनोखा तो होने ही वाला है। आप सभी को बता दूं कि इस फिल्म में हम सभी को प्रभास के साथ नजर आने वाली है ब्यूटीफुल एंड चार्मिंग हीरोइन पूजा हेगड़े। अब सुन लीजिए आप सभी फिल्म को लेकर एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात। फिल्म के अभी तक 26 सेट बनाए गए हैं, जिनमें लग चुका है 106 करोड़ का खर्च। इसके अलावा आप सभी को बता दूं कि फिल्म का टोटल खर्च बनता है 350 करोड़, यानी कि बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट। और तो और ये फिल्म काफी बड़े लोकेशंस जैसे कि यूरोप में इटली, फ्रांस जैसी जगहों में यानी कि बड़े बड़े लोकेशंस पर शूट की गई है। आप सभी को बता दूं कि फिल्म के लिए यूरोप को इसलिए चुना गया है क्योंकि दर्शकों की नजर में यूरोप एक काफी रोमांटिक जगह है। अब खुद सोच लीजिए, जगह रोमांटिक हो तो ऐसे में फिल्म का रोमांटिक होना तो बनता ही है। अब मुझे पता है आप लोग क्या सोच रहे हैं कि मैंने इधर उधर की सारी बातें कर ली लेकिन रिलीज डेट नहीं बताई, तो लीजिए सुन लीजिए, फिल्म रिलीज होने वाली है 30 जुलाई 2021। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा फिल्म को रिलीज किया जाने वाला है OTT प्लेटफॉर्म्स पर, जिसके लिए फिल्म को काफी ज्यादा महंगे अमाउंट में सेल किया गया है। तो इस सब को देखकर एक बात तो साफ है कि प्रभास धीरे धीरे कर नन्हे नन्हे स्टेप्स लेकर बॉलीवुड में तहलका मचाने आते जा रहे हैं। अब हो सकता है कि ऐसे में प्रभास देने लग जाएं किंग खान को टक्कर, यानी कि रोमांस के खान को टक्कर। तो दोस्तों आप सभी बताइए, आपको क्या लगता है कि क्या कोई किंग खान को टक्कर दे सकता है, और अगर हाँ तो क्या वो प्रभास हो सकते हैं? तो दोस्तों कमेंट करिएगा और जरूर बताइएगा। और मैं जैनी शाहनवाज लेती हूँ आप सभी से विदा।